हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव मी। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाली इंस्टेंट इडली। इसमें ना हमें कोई चावल सोख करके रखने हैं ना कोई दाल। इसके लिए हमें चाहिए एक कप चावल का आटा, आधा कप धुली उड़द दाल, नमक और बेकिंग सोडा, एक कप दही। अब हम उड़द दाल को, धुली उड़द दाल है जिसको हमने धो लिया है, अब इसको दही डालकर हम इसको मिक्सी में इसको बारीक पीस लेंगे। दाल और दही बारीक पीस गया है, देखिए काफ़ी पतला है। अब इसको हम, जो हमने एक कप चावल का आटा लिया था, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे। आप चावल का कोई सी भी मोटे चावल का आटा आप ले सकते हैं, मेरे भी ये मोटे चावल का आटा है। तो थोड़ा थोड़ा करके वो कर लें। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और मिला दें। लगभग आपको एक से डेढ़ कप चावल का आटा लगेगा। अब मिक्सी की जार को मैं लगा हुआ, जो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। ध्यान रखें कि इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी गाढ़ी होनी चाहिए। अगर ये पतला हो जाएगा तो आपकी इडली फुली फुली ना बनकर वो फ्लैट बनेगी, तो इस बात का ये ध्यान रखिएगा। इसमें हमें ना कोई चावल ना दाल, हमें कुछ भी उसको पहले दिन सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो नॉर्मली इडली के लिए इसको, चावल और दाल को हमें पहली रात ही भिगोकर रखना पड़ता है। ये झटपट बनाने के लिए बहुत आसान है। इसमें मैंने, ये मेरा इलेक्ट्रिक कुकर है, आप नॉर्मल प्रेशर कुकर भी आप ले सकते हैं। मेरे जो इडली का खांचा था उसके साइज का मेरे पास कोई कुकर नहीं था, तो इसलिए मैं इसमें इलेक्ट्रिक कुकर में इसको स्टीम कर रही हूँ। अब हम इडली के जो खांचे हैं उस पर ऑयलिंग कर लेंगे। ब्रश में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लें और उसको पूरे में फैला लें, जिससे इडली पकने के बाद निकलने में आसानी होगी, नहीं तो इडली इसमें चिपक जाएगी। और मैं इसमें नमक आपको बताना भूल गई, नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप नमक उसमें डाल लीजिएगा। मेरे इन खांचों में ऑयल लग गया है,
बैटर की कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। अब इसका हम मेन स्टेप करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप इडली को स्टीम करने वाले हों तभी उस टाइम पर ही उसमें बेकिंग पाउडर डालें, क्योंकि वो रिएक्ट तुरंत करता है। और अगर इसको आप 10-15 मिनट के रेस्ट में रख देंगे तब तक ये रिएक्ट कर चुका होगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। दही के साथ या खट्टे के साथ मिलकर ये रिएक्ट करता है जिससे फ्लफी और स्पंजी इडली तैयार होती है। अब इसको मिक्स कर लें। इस बैटर को इतना ही मिक्स करें जिससे बैटर में बेकिंग पाउडर मिक्स हो जाए, इसको ज़्यादा ना फटे। देखिए कैसा फ्लफी बैटर हो गया है, बबल्स आ रहे हैं। ये तुरंत रिएक्ट करता है तो इसलिए इसको मैंने 20 मिनट के रेस्ट में रखा था। उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था। अब मैं खांचों में इसको रख लूँगी। देखिए बैटर एकदम से फ्लैट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। इडली के स्टैंड को हमेशा जब आप सेट करें उसमें ध्यान दें, नीचे वाले इडली का खांचा ऊपर वाले इडली के खांचे का ऊपर ना रखें, उसके नीचे वाली इडली के ऊपर छेद वाला हिस्सा रखें, जैसे मैंने इसको सेट कर दिया है। स्टीम के लिए इडली तैयार हो गई है। मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था जो बॉईल हो गया है। इसमें हम स्टीम के लिए इडलियाँ डाल देंगे। इसको 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम देंगे। मेरी इडली 8 से 10 मिनट बाद स्टीम होकर तैयार हो गई है, अभी सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। पाँच मिनट इनको स्टीम में रख लें, उसके बाद इनको जैसे इडली थोड़ी सी ठंडी हो जाए उनको निकाल लें, खांचे निकाल लें, और खांचों से एक चाकू की मदद से इन खांचों से इडली को आप आराम से इस तरीके से निकाल लें। खांचों में ऑयल लगाने की ऑयल की हेल्प से ऑयल लगाने की वजह से इडली आसानी से निकल जाएंगे। देखिए कैसी फ्लफी स्पॉन्जी इडली बनके तैयार हुई। मेरी इडली का रंग थोड़ा सा ब्राउन है, वो इसलिए क्योंकि मेरा ब्राउन राइस था। ब्राउन राइस मतलब थोड़ा सा लाल लाल कलर का राइस था। गरम गरम इडली को गरम गरम सांभर के साथ सर्व करें। इडली तैयार है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब